काउंटर छोड़ दो। कारनामे तारीख के अंदर मौजूद है, लेकिन अफसोस कि हम ना तारीख को पढ़ते हैं, ना तारीख को देखते हैं, ना बुजुर्गों का कहा हुआ मानते हैं, ना बुजुर्गों की नसीहतों पे अमल करते हैं। आज आप अपनी तारीख को उठा के पढ़ें और तो देखें कि किस कदर जियाले बहादुर और जोशीले नौजवान उस दौर में थे, अंग्रेजों के दौर में, जिन्होंने इस कारनामे सर अंजाम दिए, जिनकी वजह से अंग्रेज कौम ने कामयाबियाँ हासिल की। मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है, आज भी हमारी कौम के अंदर, आज अल्हम्दुलिल्लाह 40-45 साल के बाद अल्लाह ताला ने हमें ये प्लाट अता कर दिया। ये 600 गज का प्लाट है, 600 गज का फ्रंट ग्रीन बेल्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कंपो कम्प्लेक्स तामीर करने का प्रोग्राम है, जिसका बकाया प्रोग्राम इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताया जाएगा। सिलसिलावार ये काम चलता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं आपकी तवज्जो सबसे पहले अपने मसाइल की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मसाइल क्या है कौम के अंदर? हमारे सबसे बड़े मसाइल जो हैं तो दो या तीन हिस्सों में तकसीम किए जा सकते हैं। सबसे पहला मसला कौम का हमारा ये था कि तालीम में कौम के अंदर गिनती पर उंगलों पर गिर कर देख लीजिए, कितने डॉक्टर्स हैं हमारे पास, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने पॉलिटिशियंस हैं, कितने कौमी असम्बली के मेंबर हैं, कितने सूबाई असम्बली के मेंबर हैं। अगर आपने अपनी तरक्की को जांचना है, अगर आपने अपने आप को देखना है कि हम दूसरी कौमों के हम कल्ला, इस मबल की तरफ देखना होगा, माजी से हमें सबक हासिल करना होगा। वो हिया कर दिया गया है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि यहाँ एक एक कारकुन चेयरमैन से लेकर कारकुन तक बुकलेस है और अपनी जेब से खर्च करने वाला है। किसी ने किसी एक फर्द की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरी कौम की प्रॉपर्टी है। पूरे मुल्क की, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, ना सिर्फ कराची में, समझा पूरे मुल्क की एक कौम की प्रॉपर्टी है। यहाँ एक सदर भी आ सकता है, चेयरमैन भी आ सकता है, एक चपरासी भी आ सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नजदीक प्रोटोकॉल जो है, एक सदर से लोग हमारे लिए माजज है। इस प्लेटफॉर्म पे हर फर्द को वही इज्जत दी जाएगी जो एक सीनियर से सीनियर तरीन शख्स को दी जाएगी इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों, समझने की बात है, आज हमने अपना मुहासबा भी करना है, अपनी मंजिल का तयन भी करना है कि हम किस मुकाम पे खड़े हैं और किस मुकाम की तरफ हमें जाना है। बाकी लोग कहाँ हैं, बाकी कौमें कैसे तरक्की कर गई और हम क्यों नहीं कर सके, इसका मुआवजा करना होगा। मैंने पिछले दिनों में थोड़ी सी स्टडी की, उसके अंदर मेमन कौम का हॉकी टीम के खिलाड़ी, हम तो आज इसको बना करके खड़े किया है, उसका जो है मैंने तस्दीक किया है कि 1957 से मेमन कौम ने अपने आप को डेवलप किया। 1957 में उन्होंने अपने आप को जो बनाई, अपने बुजुर्गों को सामने लाए। आज देखें मेमन कौम तजारत में, तालीम में, जहाँ कहीं भी आप चले जाएं, उनके खराती हॉस्पिटल्स मिलेंगे, उनके स्कूल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे, यूनिवर्सिटियाँ मिलेंगी, तालीम के मैदान में, तजारत के मैदान में, जहाँ कहीं भी आप चले जाएं, वो तरक्की याफ्ता ही नजर आएंगे। लेकिन उनका मुकाबलेबाज है वो हम भूल गए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको आज उस कीमती नुक्ते की तरफ लेकर के जाना चाहता हूँ जिसकी आपको सख्त और अशद जरूरत है। जरूरत इस अमर की है कि जो तरक्की आपने की है, आपके भाई भी कर जाए, आपके रिश्तेदार भी कर जाए, वो आप दूसरों के काम आए, वो भी नहीं चले। अपने लिए तो सब जीते हैं, मौका तो तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए। किस तरीके से कर सकते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के साथ और बड़े फखर के साथ जो बात कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में इंफरादी तरक्की इस कदर की है, इस कदर की है, जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए कम है। माशाल्लाह फैक्ट्रियों भी हैं और बड़े बड़े ओहदों पर भी लोग हैं, जो खास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हमारे लोग ना हों। अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस चीज को आप नोट फरमा लें, कोई कौम भी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती, वो सिर्फ इंफरादी तरक्की पे अगर नजर रखेगी, इज्तमाही तरक्की की तरफ आप तवज्जो नहीं देंगे, पूरी कौम पे आप तवज्जो नहीं देंगे, तो आपके मसाइल कभी भी हल और क्या बात हो सकती है। कौम का कोई फर्द भी अंजुमन के आपस में तशरीफ लाए, जो कुछ भी हुई थी, जो हमने किया है, खरीदा है, या कौम के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, एक
एक रुपए का हिसाब उस शख्स को पेश किया जाएगा इंशाल्लाह। तो जब इस कदर मुखलिस की आदत आपको मिल जाए तो फिर भी हम उस पर तवज्जो ना करें तो फिर मेरे ख्याल में हमें अपनी मंजिल का तय्यन आज करना ही होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल गुजर गए, जब इसकी बुनियाद रखी गई तो वेलफेयर अंजुमन की तो अल्लाह के फजल करम से, तो सबसे पहले जो मैंने जो एक चीज अर्ज की वो ये है कि दो चीजें हैं किसी भी काम के लिए, इनफरादी तरक्की और इजमाई तरक्की। इनफरादी तरक्की में आपके अहले याल आ जाते हैं, आपके बच्चे आ जाते हैं, आप खुद हैं, आप अपनी फैमिली तक महदूद होते हैं। और इजमाई तरक्की तब होती है जब आप पूरी काम पे तवज्जो देते हैं, किसी एक मतलब से आप इकट्ठे हो जाते हैं। और उसके पास पैसे नहीं है वो डॉक्टर तो नहीं बन सकता, वो तो घर बैठ जाएगा। अगर कौन उसके लिए कुर्बानी दे और उस बच्चे के लिए जो है इंतजाम करे, उसकी फीस का इंतजाम हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह के घर में उम्मीद है कि वो बच्चा डॉक्टर और बच्ची डॉक्टर बन सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों के तावन से हो सकता है। अगर आपने कौम ने ये तरक्की करनी है तो उसका ये राज है कि इंफरादी तरक्की से निकलकर हमें इज्तमाई कोशिश की तरफ आना होगा। इज्तमाई यंग नेशन तमाम टैलेंट को चुन चुन कर इस्तेमाल किया जा रहा है, चुन चुन कर आगे लाया जा रहा है। और आप तमाम हजरात से गुजारिश है पंडाल में जो लोग भी आज तशरीफ लाए हैं तो हमारा हाथ बटाएं, वो हमारे दस्तों बाजू बन जाए, वो हमें ये टैलेंट ढूंढ के तलाश करके दें। हम ये नहीं चाहते कि हम ओहदों पर बैठ जाएं और हम अपने आप को मनाते रहें, नहीं जी हम तो बड़े हैं, नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमें टैलेंट मिले, टैलेंट सामने आए, हम उस टैलेंट को आगे हवाले करें कि ये काम है, ये मंसूबे हैं, इन मंसूबों को आपने आगे बढ़ाना है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। सारी रख सके नज्म सब का मुजाहरा करें, महजब कामों का काम है, महजब कामों में हमेशा जो है नज्म सब होता है। और माशाल्लाह हमारी काम एक बहुत ही महजब काम है और इंशाल्लाह आम आज जो है हम इंशाल्लाह एक बेहतरीन नज्म सब का मुजाहरा करेंगे। हर काम का बेहतरीन इंतजाम किया गया है, खाने का भी, पानी का भी, हर चीज का। कमेटियां बनाई गई हैं, उनके चेयरमैन मौजूद हैं। अगर किसी भी साहब को कोई भी दुश्वारी पेश आए तो स्टेज पे आके वो हमें इन्फॉर्म कर सकता है, तो उसका अजाला फिर फौर इंशाल्लाह किया जाएगा। रिकॉर्डिंग भी कर लो। दोस्तों नौजवानों, ये स्पीच कर रहे हैं, फालतू बातें नहीं कर रहे। 2-3 हिस्सों में बटे हुए हैं। सबसे पहला मसला तालीम का है। मौजूदा दौर के अंदर जो कौम भी तालीम में पीछे रह गई वो समझ लें कि तरक्की की राह में सबसे पीछे चली जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा हमें इस चीज़ का अदराक होता जा रहा है कि तालीम के बगैर हम बाकी कौमों के हम पल्ला नहीं चल सकते। और इसके लिए मैं ये दरख्वास्त करूँगा तमाम हजरात से जो इस वक्त जो वालदैन हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, यंग नेशन से दरख्वास्त करूँगा। आज के दौर में तालीम जो है वो टेक्निकल तालीम है, आईटी की तालीम है, कंप्यूटर की तालीम है, स्पेशलाइजेशन की तालीम है। अगर कोई यह समझता है कि मैं सिंपल मैट्रिक एफए बीए एमए कर लूँ तो वह तालीम हो गई, मैं ये समझता हूँ। तो मैं आज आपको ये बावर करा देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र 57 साल है, दुनिया के 7 मुल्कों में मैं घूमा हूँ, मैंने ये तजर्बा हासिल किया है, ये देखा है कि ये सिंपल तालीम हमारी किसी काम की तालीम नहीं है, किसी काम की नहीं है। हमें स्पेशल तालीम की ज़रूरत है, टेक्निकल तालीम की ज़रूरत है, स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, तब कहीं जाके हम दूसरी कौमों के हम पल्ला खड़े हो सकते हैं और तब जाकर के कहीं हम मुकाबले में आ सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से ज्यादा कंप्यूटर आईटी और टेक्निकल कोर्सेज की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों को टेक्निकल तालीम की तरफ जो है दिया गया है। जब हम तालीम पे तवज्जो देंगे हमें ये अंदाजा होगा, जब आपको ये पता चलेगा हमारी बिरादरी के अंदर हर मोहल्ले में 4 डॉक्टर हैं, 2 इंजीनियर हैं, आप इससे अंदाजा कर सकेंगे कि हमारी कौन तरक्की की तरफ जा रही है कि नहीं। तो इंशाल्लाह आज आपसे ये वादा लेना है कि अपने बच्चों को आप टेक्निकल तालीम की तरफ जो है रागब भी करेंगे और तवज्जो भी देंगे और उनकी जो है हेल्प भी करेंगे आप लोग। तो उसके बाद
तारीख के बाद दूसरा दर्जा जो है जो हालात के मुताबिक की है वो तजारत की है, वो दुकानदारी की है, कौम के लिए रोजगार की है। तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा कौम के मुखय्यर हजरात से जो तशरीफ ला रहे हैं उनसे फिर से दरख्वास्त करूंगा कि वो अंदर आके कुर्सियों पे तशरीफ रखें ताकि प्रोग्राम में खलल ना आए, बाकी लोग भी आराम से हल्क लेने वाले तमाम हजरात से गुजारिश है, एग्जीक्यूटिव कमेटी और कबीना के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो अपनी सीटों पर तशरीफ ले आए। अभी तक चंद हजरात आए, चार या पाँच, जबकि 50 मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनसे तमाम से दरख्वास्त करता हूँ, बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि वो जहाँ कहीं भी बैठे हैं वो अपनी वो जगह छोड़ दें, तो उनके लिए जगह मखसूस की गई है, उस जगह पर वो तशरीफ ले आए प्लीज़। मैं अर्ज ये कर रहा था कि तालीम के बाद जो है तो रब की ज़ात ने जिनको दिया है उनका ये काम है वो जो है हमारी एनिमल से रब्ता करें, इस प्लेटफॉर्म से रब्ता करके बाकी अपनी बरादरी का हाथ बटाएं ताकि बच्चों की तालीम का सिलसिला भी हल हो, रोजगार का मसला भी हल हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा किसी फैक्ट्री में मैनेजर है या वो फैक्ट्री ओनर है, जहाँ कहीं वो 50 बंदों को मुलाजमत दे रहा है और कमजोर बरादरी के अगर 10 अफराद वहाँ एडजस्ट हो सकते हैं जिस जगह पे भी है, अगर वो किसी फैक्ट्री में है, किसी कारखाने में है, किसी दुकान में है, जहाँ कहीं वो 50 या 40 अफराद को मुलाजमत दे रहे हैं, वहाँ मेरिट पे अगर 10 कमजोर भी हैं तो मैं तो ये समझता हूँ कि मेरिट से हट के भी अगर हैं 2-4 तो उनको भी रखा जाए ताकि कौम तरक्की की तरफ जाए, ना कि हम जो है हाथ बांध के खड़े नहीं, हम तो जानते ही नहीं। और कौन से ये दरख्वास्त है कि वो डायरेक्ट कहीं ना जाएं, वो अंजुमन का कार्ड लेके जाएं, अंजुमन में अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और जब आप दफ्तर से कार्ड लेके जाएंगे, दफ्तर से लेटर लेके जाएंगे, इंशाल्लाह डेफिनेट आपको प्रेफर किया जाएगा। इनफरादी तौर पे अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि आपको अच्छे तरीके से डील ना किया जाए। तो कौम के आने वाले तमाम अफराद से दरख्वास्त है कि सबके अमल का बेहद शुक्रिया और मैं सिर्फ आपके 5-10 मिनट लेना चाहूँगी और मैं इस बात मौजू पर बात करना चाहती हूँ कि मैं एज ए स्टूडेंट अपने आप को पेश करना चाहती हूँ और यहाँ पर आकर मुझे बेहद खुशी हुई। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ और मुझे ये देखकर इंतहाई खुशी हुई कि हर कोई यहाँ पर अपना अपना रोल किरदार करने के लिए बेइंतहा कोशिश कर रहा है। और मैं ये बात करना चाहूँगी कि मुझे तमाम अंजुमन ये लोगों जो आपके सामने लगा है ये देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। इसमें आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि इनका सबसे पहला पॉइंट तो वो स्कूल है, ठीक है, और स्कूल वो जगह, वो मदरसा, वो जगह जहाँ से स्टूडेंट्स निकल कर सामने आता है, वो पहली जगह होती है जहाँ पर स्टूडेंट आकर अपने आप को निखारने की कोशिश करता है। तो इनका सबसे पहला जो मुझे पॉइंट पसंद आया कि इन्हें जो सबसे पहली तरजीह जो दी गई है वो स्कूल को दी गई है। स्कूल से जब बच्चा एक आगे पढ़ता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और आगे जाता है तो वो अपने आप को मनवाता है। तो मैं इस मौजू पर बात करना चाहूँगी कि ब्राय मेहरबानी स्टूडेंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए और मैं अपने बड़ों को इस अंजुमन के सदर साहब जनरल सेक्रेटरी काजी असलम साहब से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप स्टूडेंट्स के लिए आगे चल कर मज़ीद मौके फराहम करें। और इनका दूसरा पॉइंट जो बताया गया है कम्युनिटी सेंटर, एक कम्युनिटी जहाँ पर सब मिलकर इकट्ठा बैठते हैं और अपने मुख्तलिफ मसाइल को उस पर बात करते हैं, उसको हल करना चाहते हैं। एक कम्युनिटी सेंटर का होना हमारे कौम के लिए बेहद ज़रूरी है। जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई भी मसला हल नहीं होगा। अगर हम किसी मसले को पॉइंट आउट करें, उसके मसाइल को देखें और फिर आगे चलकर उस पर हम बात करें तो उसकी तमाम ऐसे जड़ें जो कि नासूर बन चुकी हैं हमारे कौम के लिए, हम उनको ख़त्म कर सकते हैं और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। मैं एज ए स्टूडेंट सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि वो स्टूडेंट्स जो आगे आना चाहते हैं बड़ा मेहरबानी ज़रूर आगे आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएँ और अपने कौम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और इनका बस मैं अपनी इसी से वाइंड अप करना चाहूँगी क्योंकि हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं जो हमें उन्हें टाइम देना है, जो कि हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है, जिन्होंने आगे चलकर हमारे गांव
बिरादरी के हम वो कौम के अंदरूने सिंध से कराची से बल्कि पूरे पाकिस्तान से आए हुए दोस्तों को और शख्सियत कंबो कौम के सपूत हमारे मरकजी सदर अंजुमन कंबोहा पाकिस्तान चौधरी अख्तर रसूल साहब को हमारे जलसागा में पंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। भरपूर ताड़ियों से चौधरी अख्तर रसूल साहब पूरी दुनिया की मारूफ शख्सियत है। हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। मैं तलावत कलाम पाक के लिए अल्लाह के नज़दीक तुम सब में इज्जत वाला वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। और जिहादी लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, दर हकीकत तुम ईमान नहीं लाए, लेकिन तुम यूं कहो कि हम मुखालफत छोड़कर ताबे हो गए, क्योंकि अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ है। तुम अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने लगोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल में से कुछ भी कम ना करेगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वमा अलैना इल्लल बलाग।
चेयरमैन है वो अपने निशस्त पर स्टेज पर आ जाए। जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास कंबोज साहब, कंबो वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन है चौधरी मोहम्मद सलीम कंबो साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ ले अपने निशस्त पर बैठे। मैं गुजारिश करूंगा जनाब कारी मोहम्मद अरशद साहब से कि वो आए नाते रसूल पेश करें। राशिद وسلم عليك يا حبيب الله كلام الهي میں شمس دوہا کلام الهی जहाँ है शाह
तक पहुँच जनाब मोहम्मद अकरम कंबो हमारे इलेक्शन कमिश्नर भी हैं,